नहीं, दो तीन छलना लग गया यार। हाँ दो तीन साइड में से। सॉरी गाइड, यहाँ पे एक घटना हो गया। वो एक्चुअल में क्या हुआ, यहाँ पर डेकोरेशन काफ़ी है, माता रानी के जो स्थान है वहाँ पर जगह डेकोरेशन काफ़ी अच्छा हुआ है, तो ये झूमर वगैरह लगा हुआ था तो सडनली गिर गया और तीन और एक छोटा सा बच्चा था इस साइज़ का और तीन लेडीज़ थी और ये चारों को ना चोट आ गई। सबसे ज़्यादा एक लेडीज़ थी उनको आई है, तो प्लीज़ ये नहीं सोचना है आप सभी को कि वो घर ले जा रहे हैं उधर। और ये देखिए आप, सबसे पहले ये हॉस्पिटल्स ले जाए उन्हीं को ज़्यादा। अच्छा पापा, दो दो लेडीज़ को ज़्यादा चोट आई है, एक एक आजी को आई है मतलब दादी को और एक आंटी को आई है। सो प्लीज़ गाइज, आपसे रिक्वेस्ट है, ये नहीं सोचना है कि पवित्र स्थान में ये घटना हो गया है ना, तो ये नहीं सोचना, ये गलत है। एक्चुअल में क्या हुआ, झूमर लगा हुआ है, शायद लूज लगा हुआ होगा तो हील गया होगा, ठीक है। तो नेगेटिविटी नहीं लेना है कि इतने सारे भक्त हैं और आज पाँचवा दिन है तो आज ही कैसे गिरा क्या। अभी मैं दो दिन से यहाँ मतलब दो दिन से काफ़ी तूफान और बारिश हो रही है, उसके वजह से ये हील गया होगा और अभी भी वेदर बहुत ख़राब है तो उसके कारण गिरा है। ये नहीं सोचना कि उन्होंने कुछ गलत किया होगा, ये किया हो उसके कारण गिरा है, प्लीज़ आप ऐसे नहीं सोचना। तो माता रानी उनके घाव को जल्दी से ठीक कर दे, यही दुआ चाहती हूँ। थैंक यू। वेलकम बैक टू माय चैनल, मीनाक्षी राजेश साहू। तो सबसे पहले पंचमी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं, जो मैं व्लॉग के स्टार्ट में ही आपको विश कर दी थी, है ना। तो स्पेशली आज हम आए हैं आपको, ये पेंडोल के बारे में हम सुने थे कि एंटी ड्रग के ऊपर बना हुआ है, तो इसी स्पेशली हम एंटी ड्रग क्या है, कैसे किस तरीके से पेंडोल को डेकोरेट किया है। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ देखने का है, देखने के लिए या फिर सजने के लिए, ये सारी चीज़ें हमको सोचना है, करना है, समझ कर ये सारी जो है जो एंटी ड्रग, ये सबको अवॉइड करना है और बंद करना है और हमको खुद को ये करना है और जो कर रहे हैं उनको भी रोकना है ना। तो आइए हम बताते हैं। तो ये पूरे विस्की और पूरे बोतल से ड्रिंक के जो बॉटल्स है वो उससे लिखा हुआ है एंटी ड्रग, यहाँ तक कि आपका क्लियर हुआ है ना। वहाँ पे दिखा गया है फैमिली, अब फैमिली है ना, तो सारे पूरे अलग अलग जितने भी मतलब वो ड्रिंक्स दारू वगैरह शराब वगैरह जो है ना, उसके उसके सारे जितने भी वेरिएशंस आते हैं बॉटल्स के, तो वो सारे पूरा डेकोरेट किया गया और जितने भी बना है विमल गुटका खर्रा या फिर राष्ट्रीय जितने भी आते हैं जो गुटका में, वो सारे उसको डेकोरेट किया गया है। तो वो पास से हम आपको भी दिखाएंगे आगे की वीडियो में, तब तक अभी आप हमारे वीडियो में बने रहिए, है ना। तो सारे जो है एंटी ड्रग के ऊपर ये बना हुआ है, ठीक है। सॉरी इसलिए कि यहाँ पर जो आवाज़ आ रही है तो क्लियर नहीं आ पाएगा, क्योंकि हम लोग एक घंटा से वेट कर माता रानी की पूजा चालू थी, तो शायद बंद हो जाएगा कभी, तो डन पूजा हुआ फिर भी सब कैसा है, रौनक तो बिना साउंड का रौनक ही नहीं लगता ना, और डेवेशन जो थीम होती है तो वहाँ बना है जो वो। अब सबसे पहले देखिए आप इनको कैमरा ऊपर कीजिए, सभी पूरा दिखाइए फिर मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो सबसे मेन चीज़ है सारे जो सेंटर पे है यहाँ पर, तो एक राक्षस बना हुआ है, ठीक है, उसमें जो पकड़ा हुआ है हमारा पृथ्वी जो पृथ्वी पे कौन पकड़ा हुआ है राक्षस, तो इसमें क्या हो रहा है पता है कि एक जो एंटी ड्रग है वो हमारी पूरी पृथ्वी के ऊपर बात करिए, फॉर एग्जांपल ड्रग्स केमिकल्स एक्सेट्रा, है ना। तो सारे ये इसीलिए वो एक राक्षस का रूप ले लिया, एंटी जो ड्रग है ना तो वो राक्षस के रूप ले लिया चुका है। तो यहाँ पर राक्षस क्यों बनाए हैं, क्योंकि अभी क्या चल रहा है नवरात्रि है ना, नवरात्रि फेस्टिवल है, तो वो जट से हम सबको समझ में आना चाहिए कि ड्रग को कैसे समझा, किस नाम से दिया जाए। तो फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर दिया गया है ड्रग्स के लिए, ड्रग्स हमारा जो पृथ्वी नाक हो रहा है वो राक्षस का रूप ले लिया है, ठीक है। जैसे कि सिगरेट पीना है ना, सिगरेट हो गया, या फिर कैट खेलना, ताश खेलना, या फिर ड्रग्स लेना, और जैसे वो शायद चीन में बताया गया है कि
जो न्यू बॉर्न बेबी होता है जिनका पेट में रहता है, जो मिसकैरेज होता है उसका सॉस बना के खाया जाता है, ये चीज़ मैं पढ़ी हूँ और इसका वीडियो भी देखी हूँ जब मैं शायद स्कूल टाइम में 7 या 8 में थी, तो ये चीज़ मैं देखी हूँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे देखिए, बताइए यहाँ पे लगा हुआ इंजेक्शन, तो वो न्यू बॉर्न है, यहाँ पर तो वो बेबी मतलब न्यू बॉर्न को जब पेट के अंदर तो नहीं बता सकते, तो यहाँ पे यही समझा जा रहा है कि जो रहता है ना, कि जो न्यू बॉर्न बेबी रहता है जो पेट के अंदर रहता है ना, तो वो ये चीन के लोग क्या करते हैं पता है, इसको इंजेक्शन लगा के मतलब जिससे वो ये टेक करते हैं पेट के अंदर से उसका सॉस बनाकर खाते हैं, ये चीज़ रियलिटी है। अगर इफ़ अगर आप नहीं जानते होगे तो जैसे ही मुझे वीडियो अरेंज हो जाएगी मैं आपको पक्का ही शेयर करूँ, श्योर आई श्योर आई प्रॉमिस विथ यू, ओके ठीक। तो इसी तरीके से हमारा जो जो एंटी ड्रग के कारण जो नष्ट हो रहा है हमारा पृथ्वी, तो सबसे जो मेन रीज़न है ड्रग्स, है ना। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ड्रग्स को अवॉइड कीजिए, इससे सबसे ज़्यादा हानिकारक खुद को ही है और बाकी किसी को नहीं है, खुद को। हाँ ये चीज़ नहीं है कि जैसे आप सोचते हैं ना कि आज ले लेते हैं एंटी ड्रग, अभी 1 साल के लिए ले लेते हैं, फिर अभी फिर बाद में छोड़ देंगे, ठीक है। तो याद रखना कभी भी रोज का कुछ नहीं पता था, क्योंकि रोज का ना का क्या पता, कभी साल में निकल जाए, कभी मरने के वक्त आ जाए, लेकिन हर चीज़ का फल मिलता है, याद रखना, चाहे अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म हो, है ना। तो वही चीज़ मैं आपसे कर रही हूँ, अगर हम अब भी कर रहे हैं वो चीज़ जैसे कि एंटी ड्रग, है ना, तो वो हमें अभी ही रोक देना चाहिए, अभी ही। और जो नहीं समझ रहा है, जो नहीं जान रहे, उनको भी आपको रोकना है। तो ये ऐसा ही नहीं सिर्फ ये पेंडोल है, ये चीज़ हमें समझना है, देखना ही नहीं है, समझना है, उसके बाद में करना है। और अगर हम कर रहे हैं तो खुद को रोकना है, खुद को और अगले वाले को भी रोकना है, ठीक है। तो यही दर्शाया जा रहा है, ये सिर्फ देखने के लिए नहीं है या फिर फोटो खींचने के लिए भी नहीं है, ये चीज़ हमें करना है या कर रहे उसको रोकना है और खुद से सीखना है। और बाकी सभी को और सबसे एक चीज़ बता रही हूँ, मैं बता रही हूँ, अभी मैं एक प्रेग्नेंट वूमेन को देखी हूँ, तो जैसे वो उनका जो हस्बैंड था, आई डोंट नो वो कौन पर्सन है, वो शायद गुटखा ले रहा था, है ना। तो कई लोग क्या सोचते हैं, ठीक है जिनका नेचुरल है ठीक है वो तो ठीक है ना। तो अभी वो जिनका जैसे बेबी कंज्यूम नहीं हो रहा है ना, बेबी कंज्यूम नहीं रहा, वो ड्रिंक्स ले रहा है, शराब पी रहा है, ड्रग्स ले रहा है या फिर गुटखा वगैरह खा रहा है, फॉर एग्जांपल नशीली चीज़ें ले रहा है ना, उसमें भी क्या दोष जाता है, एक नारी को ही जाता है, लेकिन खुद का दिखाई नहीं देता है ना। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, जितने भी हैं, और मुझे ये नहीं बोल रही हूँ कि सिर्फ लड़कों ही या फिर पुरुष ही या फिर जेंट्स ही ड्रग्स लेते हैं, सारी लड़कियाँ लड़कों जितने भी यहाँ पे मानव जाति, मुझे पता है क्योंकि मैं देखी हूँ, मैं सिटी से हूँ और मुझे ये चीज़ सिटी और गांव से कोई रिलेटेड नहीं है ना, दुनिया से रिलेटेड नहीं है, जो दिखना है वो तो कहीं भी दिखेगा भाई, सेंस लगाना है कहाँ देखना है कहाँ नहीं, है ना। तो आप सभी से मेरी इतना हार्डली रिक्वेस्ट है, इतना दिल से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ऐसा ना करो, क्योंकि हम खा रहे हैं, हमारे आगे पीछे छोटे बच्चे हैं, आस पास के भाई बहन है, परिवार में है, पड़ोस है ना, तो वो सारी चीज़ें हमसे ही सीखते हैं। हाँ जरूरी नहीं है कि वो खेल रहा है, वो बैठ रहा है, लेकिन वो देख सकता है, सुन सकता है, लेकिन समझ नहीं सकता, लेकिन वो दिमाग में तो है ना, क्या वो देखते देखते आप जब बड़े छोटे से जब बड़े होते जाओगे ना, तब ये सारी चीज़ आपको वो कॉपी करने लगेगा, है ना। तो अभी पता नहीं चलने वाली है, इसलिए यहाँ जो क्लियर है ना, तो ये सिर्फ समझ में आ रहा है आप सभी को, तो ठीक है, थैंक यू। मैं इतना ही कहना चाहूँगी, बाकी तो आप सभी समझदार हो, क्योंकि मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये मैं व्लॉग के थ्रू वही बताना चाहती थी आप सभी को। अगर मेरी जो शब्द है आपको अगर अब शब्द लगा हो तो उसके लिए सॉरी, लेकिन मेरा एक ही उद्देश्य है, क्योंकि मैं एक शिक्षित लड़की हूँ, तो मैं यही चाहती हूँ कि ये सब चीज़ ना हो, ठीक है। और अभी हो रहा है उसको रोक देना चाहिए, इसी वजह से हम लोग यहाँ स्पेशली आप लोगों के लिए ही आए हैं कि वीडियो बनाना चाहिए। और ये हम लोग इतने दूर से आए कि हम बता भी नहीं सकते, ऊपर से मेरा फास्ट है और धूप काफ़ी है, और वो भी नॉर्मल, और मैं चप्पल भी नहीं पहनी हूँ, ठीक है।